जितने भी लोगों ने देखी उनको बहुत पसंद आई, उन्होंने बहुत इन्जॉय करी फिल्म, मगर सबसे स्पेशल रिएक्शन मम्मी पापा का था, उनको बहुत पसंद आई, उन्होंने मुझे हग करा, बोला बहुत मज़ा आया देख के, और उनको मेरे सीन्स पसंद आए, को सबकी एक्टिंग पसंद आई, मगर फिर मेरा जो नेफ्यू है ध्रुव और किमाया, उन दोनों ने बोला वेरी गुड फिल्म हुआ, लाइक चलो रिलीव्ड, क्योंकि इसका मतलब छोटे बच्चे से बड़े सबको पसंद आई है. एंड सो आंद्रे सेड लिसन, बच्चे को पसंद आ गई, दिस इज़ लाइक इट्स गोइंग टू बी अ गुड फिल्म. और फिर हम घर गए और रात को 2-3 बजे तक पिक्चर के बारे में ही बात कर रहे थे, और अभी भी पापा काफ़ी लंच में बात करते हैं, ऐसा होगा, क्या होगा थर्ड में, क्या होगा, क्या हुआ था. सो पर ये बात तो उन्होंने नहीं बताई, इसका इस आई थिंक इससे होगा. सो आई फील लाइक दैट्स द रिकॉल वैल्यू दिस फिल्म हैज, स्टोरी हैज. तो आई थिंक हम I'm very happy कि लोगों को पसंद आ रही है फिल्म. You know, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने बोला कि मम्मी जी को टिकट्स नहीं मिल रहे थे. हाँ. कैसे उनको टिकट मिले? तो हम ये फिल्म रिलीज हुई और फिर हमने सोचा कि हम सबको, फ्रेंड्स को और घर में सब लोगों को लेके जाएंगे दोबारा, पर जो मम्मी टिकट लेने गई तो उन्हें टिकट ही नहीं मिले. एंड सो काफ़ी महंगे थे उस दिन, तो फिर मम्मी मुझे फ़ोन करी थी और मैं इंटरव्यू में थी, और मम्मी इट वॉज इतनी अच्छी फीलिंग थी ना, जब आपकी फिल्म अच्छी लगती है लोगों को और हाउसफुल जाती है, और वीकडे में भी हाउसफुल जा रही है, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, और हम वेरी ग्रेटफुल, वेरी वेरी ग्रेटफुल. यू नो दृश्यम इज अ रीमेक, सबको पता है, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से उसको दर्शाया गया है. आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर होता है कि उनसे बेहतर करना है, उनसे ये बेहतर बनानी है, कुछ ऐसा कुछ प्रेशर होता है कभी? आई थिंक इस सवाल का जवाब अभिषेक ज़्यादा अच्छा दे पाएगा, मगर मेरे ख्याल से जो हम चाहते थे और जो वो चाहता था
और जब हम पूरी टीम चाहती थी कि इट शुड बी एन इंस्पिरेशन, और वो बहुत अच्छा अभिषेक ने किया है. इट्स नॉट अ कट कॉपी पेस्ट एट ऑल, और एग्जैक्टली उसका वर्जन और उसका बनाने का स्टाइल बिल्कुल अलग है. तो हर जगह देखिए, ये तो आपको मालूम था हर 10 मिनट में फिल्म में कि क्या होने वाला है, एंड दैट्स अ क्लियर थिंग, यू नो. बट हाउ विल हैपन, और कैसे होगा और क्यों होगा और कैसे सारे कैरेक्टर्स उस स्टोरी को आगे लेके जाएंगे, दैट इज़ दी मिस्ट्री. एंड दैट्स डन रियली वेल, सीन्स आर वेरी ब्यूटिफुली रिटन. सो या इसमें एक नया किरदार ऐड हुआ, अक्षय अक्षय जी, या अक्षय खन्ना जी, काफी लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं. मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था ट्रेलर पे, काफी लोग उन्हें ज्यादा पसंद कर रहे हैं, आपके कैरेक्टर को, अजय सर के कैरेक्टर को, इशिता के कैरेक्टर को, मृणाल के कैरेक्टर को काफी लोग पसंद कर रहे हैं. अक्षय सर एक की नई एंट्री हुई है दृश्यम 2, कैसे एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करके? मैंने उनके साथ पहले भी काम किया है, बहुत ही हार्ड वर्किंग एंड इंटेंस एक्टर है, मजा आता है उनके साथ काम करने में. और इस फिल्म में उन्होंने काफ़ी एक अपना नया एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है. इट्स हिज ओन वे ऑफ डीलिंग, अंडरस्टैंडिंग द फैमिली, द वे ही इज डन इट, आई थिंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट सीन है वो जब घर आते हैं एंड नंदिनी एकदम नर्वस हो जाती है, उसको लगता है कि बस अब तो हो गया, ख़त्म, स्टोरी ओवर. और फॉर मी दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू प्ले, क्योंकि आई फील उस सीन को भी ऐसे लिखा है, और अक्षय सर ने भी ऐसे किया है कि देयर इज अ लॉट फॉर मी टू परफॉर्म, देयर लॉट ऑफ लेयर्स, एंड आई रियली एंजॉयड इट. इट्स रिटन वेरी वेल एंड अक्षय सर परफॉर्म रियली वेल, और बोथ द किड्स परफॉर्म रियली वेल, सो इट काइंड ऑफ वर्क रियली वेल. यू नो फिल्म में मैंने देखा जैसे कि अक्षय सर रिंग बजाते हैं और आपका जो इमोशन होता है पूरी तरह से आप डर जाती हैं, वो उस चीज के लिए कितना प्रिपेयर करना पड़ता है? क्योंकि बहुत ही हार्डली वैसा कोई कर पाता है, बहुत ही ज्यादा आप डर गए थे, एकदम नेचुरल लग के आ रहा था. क्योंकि जब मैंने सोचा कि अगर ये मेरी फैमिली है नंदिनी के लिए, और नंदिनी ने 7 साल से जब से ये हुआ है कभी भी किसी को ये बात कह नहीं सकती, बता नहीं सकती, डिस्कस नहीं कर सकती, इसको कोई आउटलेट नहीं है. और एक फिल्म में एक सीन, एक डायलॉग है जो वो बोलती है कि मेरा दम घुटता है हर वक्त, मेरा दम घुटता है, वो दैट्स द सीन राइट नाउ, बिकॉज वो डरी हुई है, उसकी हंसी में भी एक तरीके का रोना है, और जब वो रोती है तो भी वो पूरी तरह से कभी भी खुल के नहीं रो पाती. सो फॉर मी टू दैट टू ब्रिंग आउट, और अगर वो कुछ भी गलत करती है तो एवरीथिंग इज ओवर, उसके बच्चे, एवरीथिंग, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल राइट नाउ. और कभी भी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले उसने नहीं करी है. मैं फर्स्ट पार्ट में था दैट होल सीन, और तब भी वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि इतना सब कुछ करने की मुझ में शक्ति कहाँ से आई, कि जब नंदिनी जाके विजय को बोलती है. सो आई थिंक फॉर मी जस्ट टू प्रोसेस ऑल ऑफ दैट एंड इट जस्ट केम आउट, बट आई वॉज वेरी, इट वॉज अ वेरी इंटेंस सीन, और वो सीन काफ़ी दिनों तक मेरे साथ रहा. और जैसे कि दृश्यम 1 हम सभी ने देखी है, निशिकांत जी ने उसे डायरेक्ट की थी, दृश्यम 2 में आपने कितना मिस किया उनके? काफी अच्छा हम बहुत लकी हैं, बहुत ग्रेटफुल हैं अभिषेक सर ने, बहुत अच्छा इस फिल्म को डायरेक्ट किया है. ही इज़ वेरी क्लियर उसको क्या चाहिए हर सीन में, उसको जो इमोशन चाहिए, जो डायलॉग जैसे चाहिए, जो आई मोमेंट चाहिए, उसको चाहिए चाहिए. एंड आई थिंक दैट्स ऑल्सो ट्रेडमार्क ऑफ अ गुड गुड डायरेक्टर. बहुत अच्छी लिखी है, और जो लिखा है उसको पर्दे पे दिखाया भी है, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. कहीं ना कहीं यू नो अजय सर, अक्षय सर, ताबू मैम, इतने बड़े एक्टर्स के साथ ही वॉज वर्किंग, बट इज़ वेरी काम, वेरी ही न्यू व्हाट ही वाज डूइंग. जब हम पहले दिन शूट कर रहे थे, फर्स्ट डे सीन था, हम सब बैठे हुए हैं और ब्रेकफास्ट टेबल है और हम खाना खा रहे हैं, एंड दे ऑल आर मेकिंग फन ऑफ मी, डीमोनेटाइजेशन और डीमोरलाइजेशन वाला सीन. उसमें एकदम से मैं बोली निशी सर, और मुझे याद आया निशी सर तो है नहीं, और दे ऑल न्यू फेसेस इन फ्रंट ऑफ यू, सो इट वाज लाइक वो व्हाट इज इट गोना बी, बिकॉज फॉर मी निशी सर वाज लाइक नंदिनी क्या करेगी, अब क्या करेगी, तो मुझे निशी सर सब समझाते थे. सो नाउ इट्स अ न्यू थिंग, बट आई फेल्ट जो मेरे कॉन्वर्जेशन अभिषेक के साथ, जो डायरेक्टर है और राइटर भी है, और राइटर आमिल, उनके साथ बैठ के एवरी टाइम जितने भी मैंने रिहर्सल्स करे, ऑल ऑफ दैट रियली हेल्प्ड, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उसकी वजह से
नंदिनी वी कुड क्रिएट ऑल ओवर अगेन. आपने अक्षय खन्ना जी की बात की, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, पर्सनली मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. आपने एक फिल्म में काम किया था गली गली चोर है, आपको याद होगा. तो कॉफी विद करण में वो था, मूवी रियल और नॉट, उसमें गली गली आई डिडंट डू वेल. अनफॉर्चूनेटली वो फिल्म इतनी नहीं चली. नहीं चली थी, बट अच्छी फिल्म थी. 2012 में फिल्म आई थी. फिल्म अच्छी थी पर हां डिडंट वर्क वेल. ठीक है, 10 साल हो गए. बट 10 साल हो गए उसमें बीच में मैंने उनकी फिल्म में गाना भी किया था. एक याद, आपको याद नहीं होगा पर एक किया था. बट एनीवेज द पॉइंट इज दैट ही इज वेरी, ही इज अ वेरी इंटेंस एक्टर. वो अपने में अपने आप प्रोसेस करते हैं और ही लव्स टू वर्क रियली हार्ड ऑन एवरी कैरेक्टर ही प्लेस. और इसी तरह इस फिल्म में भी हिज एक्सप्रेशंस आर स्पीकिंग, हिज फेस इज स्पीकिंग, सो ही इज ब्रिलियंट. यू नो माय क्वेश्चन वाज कि क्या चेंजेस आप उनमें देखती हैं इन 10 सालों में, फिर से आपने अपने उनके साथ काम किया है, 2012 में काम किया था, देन नाउ 2022, क्या चेंजेस? आई थिंक दृश्यम वाज अ मोर इंटेंस कैरेक्टर फॉर हिम टू प्ले, एंड सो ही वाज मोर इन्वॉल्वड, ही वाज वेरी लाइक देयर. और स्पेशली दैट सीन वेयर दे बोथ आर सिटिंग, अजय सर एंड अक्षय सर, एंड हम अंदर कुट रहे हम फिट रहे, उस सीन को मैं कुटने वाला सीन बोलती थी और सारे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे. इट्स अ वेरी इंटेंस सीन एंड तबू मैम इज देयर. इट्स वेरी इट्स रिटन इन अ वेरी इंटेंस वे. इट्स वेरी इट्स आल्सो वेरी चिलिंग एंड स्पाइन चिलिंग. इट्स डन रियली वेल. तो या आई मीन ही इज आई थिंक ही इज ब्रिलियंट एंड ही इज परफेक्ट फॉर द रोल. अक्षय सर क्या हुआ था, उस दिन मैं घर से बाहर निकल रही थी और मेरी नीज के माया छोटी सी थी तब, और वो ना बिस्तर से गिर गई थी और मैं थी उसके साथ अकेले. तो मैं उसको उसके साथ आई हैड टू बी विद हर, कि वो बहुत रो रही थी, मुझे अभी तक याद है. तो मैं जो पहली मीटिंग में ना कम से करीबन 45 मिनट्स लेट थी, तो जब मैं ये सब बता रही थी अपने डायरेक्टर को निशिकांत सर को, तो उन्होंने मुझे बिलीव नहीं किया. मैंने कहा तू झूठ बोल रही है. आई सेड नो सर, निशी सर. सो देन एंड देन आई थिंक ही काइंड ऑफ थॉट दैट आई वाज इंटरेस्टेड इन बीइंग नंदिनी. But later he told me, but later we started talking and communications and conversation, then he learned that I was very close to my nephew and niece. और फिर हम जब scenes पे काम करने लगे, पढ़ने लगे, तो I fell in love with Nandini and slowly he started working. Yeah, from the early meeting में 45 minutes late थी. जहाँ पे भी है वो इस फिल्म को जरूर ब्लेस कर रहे होंगे, क्योंकि इस फिल्म में एक गुडविल, एक गुड वाइब जो है ना, दैट इज ओनली ब्लेसिंग्स. दृश्यम 2 के प्रीमियर में आपके हस्बैंड भी आए थे. हाँ. उस चीज को लेकर, किसिंग सीन को लेकर काफी लोगों ने नहीं, इट्स मुझे बुरा लगा एक्चुअली, क्योंकि वो नेचुरल है, वो मर्जी है, राइट? काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया. डज इट रियली हर्ट्स? मैं तो पढ़ती नहीं क्रिटिसिज्म. मुझे तो तभी पता चला जब आप लोग बोलते हो कि हुआ. सो जब आई डोंट नो यार, मुझे नहीं मालूम, बट आई फील इट्स वेरी नेचुरल फॉर अ कपल टू स्वीटली किस. We're not making anyone uncomfortable. And मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई किसी हस्बैंड somewhere, some couple, anywhere, wherever, they feel that this was sweet. And if they go and kiss each other and they have a beautiful moment, I think that's enough. Of course, that is love. Yeah, that is love. It's okay. Some people will not like it, some people will like it. Yeah, I like it. Yeah. Ditali. फिल्म पे आ जाते हैं.
साउथ फिल्म में आपने काम किया है, बॉलीवुड में आपने काम किया है, क्या चेंजेस आप देखती हैं दोनों फिल्म दोनों इंडस्ट्रीज में? क्योंकि साउथ फिल्म में आजकल काफी ज्यादा मुझे नहीं होता लगता है। कोई डिफरेंस होता है, देखिए क्योंकि हम एक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में है, और ये बात मैं कई बार बोलती हूँ, क्योंकि जब पहली बार मैंने फ़्लाइट ली थी ना, तो मैं हैदराबाद गई थी अपने पहले स्क्रीन टेस्ट के लिए, और जब मैं वहाँ लैंड करी, जब मैं गई तो आई वॉज अमेज, इट्स ब्यूटिफुल, इंडिया इज सच अ ब्यूटिफुल कंट्री, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, हमारी करेंसी ही 17 languages में प्रिंट होती है, और हम इतनी भाषाएं बोलते हैं। अगर आप एक स्टेट से दूसरी जगह जाओ तो खाना बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाती है, मगर एक चीज़ कायम रहती है, वो है प्यार एंड द फीलिंग ऑफ द वी बिलोंग टू दिस कंट्री, द लव फॉर द कंट्री इज़ अ सीन, एंड आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम वो सेलिब्रेट करें। सो अगर RRR हिट हुई है तो लेट्स नॉट से इट्स अ तेलुगु फिल्म, लेट्स जस्ट से इट्स अ फिल्म फ्रॉम इंडियन सिनेमा, लेट्स जस्ट से लाइक दृश्यम 2 इज़ पार्ट ऑफ इंडियन सिनेमा, लेट्स जस्ट से दैट कंतारा इज़ पार्ट ऑफ इंडियन सिनेमा, एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट लविंग सिनेमा लाइक दैट। अभी लैंग्वेज का बैरियर तो खत्म हो गया, कोविड ने एक अच्छी चीज़ तो हमको दी है, खत्म हो गया, सो लेट्स जस्ट लाइक कंटिन्यू एंड कॉल इट इंडियन सिनेमा। सो लेट्स जस्ट से कि हमारे इंडियन सिनेमा ने एक अच्छी फिल्म बनाई है जो लोगों ने पसंद की है, लेट्स जस्ट लीव इट टू दैट, मुझे लगता है ऐसा। कोरोना के बाद से एक और इंटरेस्टिंग चीज जो लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे OTT, हाँ आप कैसे देखती हैं उस नया, एक्चुअली वो पहले था नहीं, करेक्ट, मतलब था मगर लोग इतना नहीं देखते थे, राइट, और आफ्टर बोले ना पोस्ट पेंडेमिक लोग देखना चालू किए काफी, मतलब लोग दिन भर उसी में लगे रहते हैं, इवन आई एम, बट मैं थिएटर्स भी जाता हूँ, तो आप कैसे देखती हैं इस चेंज को, इस बदलाव को? आई थिंक OTT में जो लिखने का तरीका होता है बहुत अलग होता है, तो क्या है कि एक कैरेक्टर आपके साथ 15 episodes 3 seasons कभी कभी 8 seasons तक चलता है, सो यू फॉल इन लव विद दैट कैरेक्टर, दैट कैरेक्टर बिकम्स योर लाइफ, सो इट्स अ वेरी डिफरेंट राइटिंग एंड देयर लॉट ऑफ स्टोरीज लाइक इन विथ टुगेदर, एंड सो इट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग, डिफरेंट वे ऑफ एक्टिंग, डिफरेंट स्टाइल एंड पीपल कंज्यूम, तो OTT से लोग, और ऑल्सो क्या हुआ कि लोगों ने हर जगह से सिनेमा देखा, सो लैंग्वेज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी कहीं का भी, इफ़ यू लाइक इट यू वॉच इट, सो लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो गया है। एज एन एक्टर OTT इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू डू बिकॉज देर सो मच टू डू, यू स्टे विद अपने ऑडियंस के, आप कितने महीनों उनके साथ रह सकते हो, सालों रह सकते हो। सिनेमा इज़ अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, सिनेमा इज़ ब्यूटिफुल, जब आप मूवी देखने जाते हो एज एन ऑडियंस, आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम एज एन ऑडियंस, यू गो एज स्ट्रेंजर्स, बट सब एक साथ ताली बजाते हैं, लव, इट डजंट मैटर व्हाट लैंग्वेज यू स्पीक, यू वॉच इट, समटाइम्स यू ऑल क्राई टुगेदर, यू लाफ टुगेदर, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल वे ऑफ कनेक्टिंग ऑन दैट लेवल, सो सिनेमा इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, यू कांट कंपेयर देम बोथ, दे बोथ आर वेरी ब्यूटिफुल, and I feel as an audience it just gives you more to watch, to more to love, more to enjoy, correct, बस वही difference है। Lastly आपका opinion जानना चाहेंगे, दृश्यम की जो कहानी है, दृश्यम की जो story है, अगर ऐसा real life में होता है, अरे क्यों ऐसा बोल रहे हैं, in case नहीं ऐसा मत बोल, ऐसा ना हो but if यही मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं अपने आप को इमेजिन कभी बहुत मुश्किल से कर पाती थी, मैं नंदिनी, आई हैड टू क्रिएट अ नंदिनी एंड डू इट, क्योंकि ये इतनी इंटेंस कहानी है कि भूल के भी कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी के साथ ऐसा ना हो, नहीं जो मतलब जो कैरेक्टर ने किया, जो अजय देवगन सर के कैरेक्टर ने किया विजय सालगांवकर, वो सही था। आई थिंक यही ब्यूटी है दृश्यम की, जो आपको इतनी अच्छी लगती है, और हम सबको, क्योंकि ये ऐसी कहानी है कि उसके बारे में आप बात काफ़ी दिनों तक, यू कैन हैव अ डिस्कशन कॉन्वर्जेशन कि ये सही था या गलत था, और इसीलिए मुझे जो लास्ट गाना जो लिखा है, जो देवी DSP ने जो बनाया है, सही गलत, आई थिंक इट्स जस्ट सो इंटेंस एंड सो राइट, वो गाना बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि कभी भी कुछ सही नहीं होता, गलत नहीं होता, जब आप ऐसे सिचुएशन में होते हो, बट द थिंग इज कि क्या उस लड़की ने सही किया या गलत किया,
क्योंकि उसकी वजह से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो सकती थी। क्या वो बेटी ने सही, क्या वो उसने सही किया, वो आके अगर बता सकती थी फैमिली को, तो शायद इतना कुछ नहीं होता। एंड आई थिंक समवेयर इन द सेकेंड पार्ट, इफ़ यू सी माई परफॉर्मेंस, आई कहीं ना कहीं आई ट्राई टू ब्रिंग दैट कि मैं क्यों नहीं थी तब, ये मुझे क्यों नहीं बता पाई। क्योंकि आई थिंक एवरी पेरेंट हैज़ टू बी दैट क्लोज टू देयर चाइल्ड, कि कुछ ऐसा होता है तो वो आपको आके बता पाएँ, पर अक्सर नहीं बता पाते बच्चे, और अक्सर ऐसा होता है, और अक्सर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सिचुएशन। तो क्या सही था क्या गलत था ये तो नहीं पता, बट ये पता है कि दृश्यम आई फील लोगों को इसलिए पसंद आती है क्योंकि वो इट टॉक्स अबाउट हर इंसान, हर ऑर्डिनरी इंसान कैसे इट्स दे आर सुपर ह्यूमन बींग, क्योंकि वो घर आते हैं, यू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, हम हंसते हैं उनके साथ, हमें उन्हें हंसाते हैं, वो हमें हंसाते हैं, आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हो, काम करते हो पूरे दिन अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, दोस्तों के लिए, कहीं ना कहीं दिन में एक बहुत बारी हम सुपर ह्यूमन होते हैं एंड हमारे आसपास लोग सुपर ह्यूमन होते हैं एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इट सेलिब्रेट्स दैट इट्स अ सिंपल फैमिली, मगर वो कैसे अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए हम क्या 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 कर सकते हैं एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द फिल्म। चलिए लास्ट में ये बता दीजिए कि दृश्यम 3 कब आ रही है? अगर मुझे पता होता तो मैं बता देती, मुझे बिल्कुल नहीं पता, आई डोंट नो। ऑडियंस को क्या बोलना चाहेंगे जिन्होंने दृश्यम 1 2 आपके कैरेक्टर को, सर के कैरेक्टर, सभी के कैरेक्टर को इतना सारा प्यार दिया? थैंक यू, आपने हमें इतना सारा प्यार दिया, क्योंकि इस फिल्म की वजह से मैं नंदिनी बन पाई और मुझे बहुत मज़ा आया अभिषेक के साथ काम करके, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और जो उन्होंने इस फिल्म की स्टोरी के साथ जिस तरह से उसे ट्रीट किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि एवरीथिंग चेंजेस बिकॉज ऑफ हिज विजन। अजय सर सच एन इंटेंस एक्टर, हिज आई स्पीक, और वो इतनी मेहनत से काम करते हैं और इतना he gives you so much to perform that it becomes very easy for his co-actor to react to. Itne amazing actor ke saath mujhe kaam karne ka chance mila. Thank you for all your love. Thank you for loving us. Tabu ma'am, absolutely love you. Been a very big fan of yours. Akshay Khanna is pari, Guy Tonde, Anmu, Anju. The camera work is amazing. DSP ka music is brilliant. तो आप लोग का प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ इस फिल्म को इफ़ यू कैन वॉच इट अगेन, वॉच इट इन थिएटर्स, और थैंक यू फॉर ऑल योर लव।